लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वह अंतिम दौर में चल रहा है। हमारे बीच है कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर, जो कि ग्राम जवासा में हैं। आज वे नीमच विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या रुझान लग रहा है सर आपको? अभी आप लगातार आज नीमच विधानसभा में आपका दूसरा तीसरा दौरा है, किस तरह मतदाता का जो सपोर्ट मिल रहा है? मतदाता आज बदलाव के मूड में है। सांसद जी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए नहीं, 10 साल हो गए उनको। बहुत सैकड़ों गांव में जहाँ मेरे बातचीत हुई, उन्होंने बोला सांसद जी तो आते ही नहीं हमारे पास, न वोट लेने आते हैं, न वोट के बाद आभार व्यक्त करने आते हैं। उनकी नज़रों में हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं, यह तो ग्रामीण क्षेत्रों का कहना है। अभी देखा गया है कि उन पर भेदभाव के आरोप भी लगे, इस तरह की बातें भी आपके सामने आई है दौरों के समय? जी बिल्कुल, वो कभी मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि सांसद इतने लंबे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जाता ही नहीं, ना जनता से बात होती तो बताती जनता वाले कि हमारे क्षेत्र में आते हैं। मैं चुनाव प्रचार कभी कभी चुनाव प्रचार में आ जाते हैं, इसके अलावा ना विकास कार्यों में उनकी सांसद निधि खर्च होती है, सिर्फ टैंकर और पति चेला वाला वो कायम खर्च नहीं करते। सांसद पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, रेल सुविधा के क्षेत्र में किस तरह की आप बातें करेंगे, किस तरह का नीमच में देखा गया है कि नीमच से रामगंज मंडी लाइन की लंबे समय से मांग की जा रही है, आप जिस रूट पे खड़े हैं ये नीमच रामगंज मंडी वाले रूट है। आप मीनाक्षी नटराजन जी ने सर्वे करने का आदेश दिलवाया था, उसके बाद और करीब 8-10 स्टेशन इन क्षेत्रों में बनते तो उन क्षेत्रों का विकास होता, परंतु सांसद गुप्ता जी ने केंद्र में भी उनकी सरकार थी और राज्य में भी उनकी सरकार थी, तो वो चाहते तो इसको प्रस्ताव को आगे बढ़ा कर ये नई रेलवे लाइन 10 साल में तैयार करा सकते थे, परंतु उन्होंने कराया नहीं। CPS पट्टे की बात हर दौरे में की जा रही है, क्या CPS पट्टा किसानों के लिए हितकारी है? निश्चित रूप से जो किसानों की जो मांग आ रही है, उन्होंने बोले हम CPS पट्टा नहीं चाहते, चीरा वाले पट्टे किए, क्योंकि वो इसमें उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अच्छा सर क्या लग रहा है, अभी आप लंबे समय से दौरे पर हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर जोश उत्साह नज़र आ रहा है, क्या स्थिति बन रही है चुनाव की? निश्चित रूप से हम तो जीरो से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका फैसला करेगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम तो जीते जीता है लेकिन हम हमारी प्लानिंग नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो 400 पार की बात तो शुरू से कर रहे हैं, जीते जीता है तो घर बैठे ना, अभी सांसद जी 2 चुनाव में घर बैठे ही वो चुनाव जीते थे, अब वो गांव-गांव शहर-शहर क्यों दौड़ने लग गए, ये इनसे पता। राम लहर की बात की जा रही है कि राम लहर में भाजपा की नैया पार होगी, आपको गांव में लग रहा है कि राम लहर का मुद्दा है? नहीं, हम तो ना राम लहर की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं कि विकास में क्षेत्रीय जनता को क्या मिला है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र की समस्या जो उसके तो है, भारतीय जनता पार्टी जरूर राम लहर पे, राष्ट्रवाद पे, सांप्रदायिकता इन पे सवार होकर आगे बढ़ती है, हम तो क्षेत्र के विकास पे, रोजगार पे, अन्य बातों के लेके हम आगे बढ़ते हैं। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इन दिनों सभा में नहीं आ रहा है, स्थानीय नेता ही आपके साथ घूम रहे हैं, क्या संभावना है किसी बड़े नेता की आने की? अभी हमारे सचिन पायलट जी आए, अरुण यादव जी आए, विवेक तनखा जी आए, सब बड़े लीडर यही है हमारे क्षेत्र के, और जब साथ में घूमने की बात है तो आपके सुधीर गुप्ता जी के साथ कौन सा बड़ा लीडर घूम रहा है बताओ थोड़ा मुझे। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे, इस बार है राहुल जी का या सोनिया जी का किसी का आने का प्रोग्राम जमा रहे हैं? ये तो ऊपर के नेताओं का डिसाइड करना कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, परंतु हमारे छोटे कार्यकर्ता, मैं हमेशा छोटे कार्यकर्ता के बलबूते पे आगे बढ़ता हूँ, मेरे विधानसभा जब चुनाव लड़ता तो मैं किसी भारी बड़े नेता किसी को नहीं बुलाता, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ता हूँ। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको इन चुनावों से? उम्मीद में तो दुनिया कायम है और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ने के जीतने के लिए आया हूँ मैं। धन्यवाद साहब। तो आप थे दिलीप सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्होंने 2 टूक कहा है कि मैं चुनाव जीतने के लिए आया हूँ और चुनाव जीतकर जाऊंगा। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।